निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने वाली है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा मानस बना लिया था। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव 30 नवंबर को समाप्त हो गया। उसके बाद अब सबकी नजरें 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव परिणाम पर है। लेकिन चुनाव परिणाम आने से पहले कल देर शाम तमाम सारी एजेंसियों का ओपिनियन पोल भी सामने आ गया। एग्जिट पोल में बता दिया गया है कि किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है, कौन सत्ता में आ रहा है, कौन सत्ता से बाहर जा रहा है, किसको कितनी सीट मिलने का अनुमान है। इस सब के बाद तमाम सारे बड़े नेताओं का एग्जिट पोल पर बयान भी सामने आ गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की इस पर बयान सामने आया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद हैं, वही जोधपुर जो अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है। जोधपुर से ही सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत जो है विधायक हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ओपिनियन पोल आने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत का चेहरा खिला खिला नजर आया, जिस पर वो पूरे तरह से भरोसा करते नजर आए और कहे कि यह तो पहले ही साफ था कि हमें क्लियर माइंडेड मिल रहा है, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। आप भी सुनिए गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे। देखिए, जनता का मंतव्य पहले से स्पष्ट था और जिस तरह से जनता मुखर होकर इस बार चुनाव में के मैदान में आई थी, एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के लिए कि कहीं कोई महत्ता और उपयोगिता ही नहीं बच गई थी, क्योंकि एकदम स्पष्ट था कि अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जी सर, अब जो अगर फेस की बात करें, जैसे एग्जिट पोल बीजेपी के फेवर में है, तो फेस किसका रहेगा सीएम? चलिए, वो तो अभी एक बार परिणाम आ जाने दीजिए। मैंने पहले भी कहा है, विधायक मिलकर के अपना नेता चुनेंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगा देगा। सर, अपोजिशन की तरफ से जो अभी करंट सीएम है गहलोत, उनका कहना है कि अगर बीजेपी ने कोई खेल नहीं खेला होगा तो डेफिनेटली हमारी सरकार आएगी, खेल खेल लिया होगा तो आपको भी। देखिए, जादू के खेल खेलने का करने का काम गहलोत साहब का है। भारतीय जनता पार्टी जन भावना को एकत्रित करके इस जन आक्रोश के, जो इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ था, उसको उजागर करते हुए उसकी ताकत के ऊपर चुनाव लड़ रही थी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने वाली है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा मानस बना लिया था। तो सुना आपने, एग्जिट पोल आने के बाद से तमाम सारे बड़े नेताओं का बयान आ रहा है। जिस पार्टी के नेताओं को बहुमत मिलते दिख रही है, उनके चेहरे खिले हैं, बहुमत से पीछे नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत है। लेकिन एग्जिट पोल कितना गलत है, कितना सही है, इस पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए, कितना नहीं किया जाना चाहिए, किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है, किस राज्य में कौन सत्ता से बाहर जा रहा है, यह तो 3 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद से पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी एग्जिट पोल में कई राज्यों में बीजेपी आगे दिख रही है, तो कहीं कांग्रेस आगे बनती हुई दिख रही है। ऐसे में तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।